तुम्हें खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। आखिर क्या जल्द ही हमें मिलने वाली है सोल्जर 2 के बनने की खबरें? कैसे खुद फिल्म से जुड़े इस खास इंसान ने किया है इस ओर इशारा? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म सोल्जर 2 की अनाउंसमेंट से रिलेटेड काफी दिलचस्प बातें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब्बास मस्तान की रिवेंज थ्रिलर ड्रामा सोल्जर के रिलीज होने के करीबन 20 साल बाद फिल्म के सीक्वल की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। यहां तक कि बैकड्रॉप और कहानी भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, कास्ट भी तैयार है। अब तो बस एक फाइनल अनाउंसमेंट का इंतजार था, एक ऐसी अनाउंसमेंट जिससे सब कंफर्म हो जाए और ऑडियंस भी बिना किसी अफवाह के डर के इस फिल्म की राहत देख सके। और अब तो शायद फैंस की ये मनोकामना भी जल्द ही पूरी होने वाली है। जी हाँ, और ये खबर खुद फिल्म से जुड़े इस शख्स ने दी है। किसने और कैसे? तो दरअसल ये खबर खुद इस अपकमिंग फिल्म के मेन लीड में नजर आने वाले बॉबी देओल की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान की रेस 3 ने बॉबी के करियर में नई जान फूंक दी। भले ही फिल्म को काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी और बॉबी को भी कोई खास तारीफें नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म ने उनके लिए लकी टच का काम जरूर किया और उनके करियर को अलग ही मुकाम दे दिया, जहां उनकी एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई आश्रम सीरीज और नेटफ्लिक्स फिल्म क्लास ऑफ 83 दोनों को ही भर भर के सराहना मिली और बॉबी फिर से वन ऑफ द बिजीएस्ट एंड सेलिब्रेटेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गए, जिससे उनका नाम काफी समय पहले ही हटा दिया गया था। बदलाव कुछ यूं आया कि कुछ समय से सालों साल तक फिल्म में ना दिखने वाले मिस्टर देओल के पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई है। इस कोरोना सिचुएशन में भी जब बड़े बड़े एक्टर्स की दुकानों पर ताले पड़ गए हैं, बॉबी के पास पेंट हाउस, लव हॉस्टल, रणबीर कपूर, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा स्टारर एनिमल और अपने 2 जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अपनी जिंदगी में रेस 3 के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए बॉबी ने इस फिल्म के सेट से एक BTS फोटो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन अगेन, द जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल, स्पेशली 2020, कैन नॉट वेट टू शो यू ऑल एवरीथिंग कमिंग अप नेक्स्ट। अपकमिंग फिल्मों की तरफ उनके इस इशारे को सोल्जर 2 के फैंस के लिए नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब क्या वाकई ये सोल्जर 2 की अनाउंसमेंट का हिंट है या फिर एक बार सोल्जर 2 के फैंस को उदास होना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आपकी इंस्टिंक्ट इस बारे में क्या कहती है, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं उपासना पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।